सलमान भाई के ना साउथ इंडस्ट्री के साथ जो कनेक्शन है ना वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमें पता चला था कि सलमान भाई को जो मास्टर की जो हिंदी रीमेक है उसके लिए अप्रोच किया गया है हालांकि अभी तक उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है उनको स्टोरी थोड़ी पसंद आई थी और लाइक दैट स्क्रिप्ट बट उनको चाहिए था कि थोड़ी हिंदी ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी को माउंट किया जाए स्टोरी को थोड़ी हिंदी ऑडियंस के हिसाब से सेट uh, किया जाए तो उन्होंने अभी मेकर्स को यही बोला है कि आप स्क्रिप्ट जो है और बेहतर करके लेके आओ उसके बाद वो डिसाइड करेंगे अभी तक नथिंग इज़ कन्फर्म बट अब जो है ना एक इतनी बड़ी न्यूज़ है ना कि ये सोच के ही मुझे गूसबम्स आ रही है और आई नो कि आप लोगों को जब मैं बताऊँगा ना तो आप लोगों को भी गूजबम्स आएगी गाइज जस्ट इमेजिन मुझे मुझे पता है कि आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो हमेशा लिखते हैं कि सलमान भाई एक बहुत ही बड़े यू नो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर के साथ काम क्यों नहीं करते हैं गाइज अब लग रहा है ना कि ये जो आप लोगों का जो सपना है ना वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है क्योंकि वी ऑल नो कि शंकर जो जो हैं वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं उन्होंने आई रोबोट रोबोट टू इंडियन uh, जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई है और उनकी अगली फिल्म जो है वो आर सी फिफ्टीन यानी रामचरण के साथ वो एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें रामचरण एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल कर रहे हैं वो एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और चूंकि वो एक पैन इंडिया फिल्म है तो उस स्टोरी में ना एक ऐसे सुपर की डिमांड है ना जो उस फिल्म को उस फिल्म की जो रीच है ना वो टू टाइम्स फोर टाइम्स कर दे और उनके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है एंड द चॉइस इज़ नन अदर दैन द मेगा स्टार सलमान खान और गाइज ये एक उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं कि ये जो कैरेक्टर है ना वो इस फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है 25 से 30 दिन की शूटिंग होने वाली है जून से वो फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है 25 से 30 दिन की शूटिंग होगी सलमान भाई की अगर वो हाँ बोलते हैं स्क्रिप्ट को कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ इसकी वो जो कैरेक्टर होने वाला है वो एक नो नॉनसेंस कॉप का कैरेक्टर होने वाला है जैसा कि हमने राधे में देखा है सलमान भाई को जैसा कि गर्व में देखा है उससे मिलता जुलता आप कह सकते हो अब जो स्क्रिप्ट होगा वो तो बाद की बात है बट एक वैसा कैरेक्टर होने वाला है आप एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हो सलमान भाई की और यार मैं जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल से चाहता हूँ कि सलमान भाई ये फिल्म जो है वो किसी भी हालत में करे क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी फिल्म होगी गाइज़ और मुझे लगता है कि अगर रामचरण ने अप्रोच किया होगा ना तो रामचरण बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं सलमान भाई के अभी हाल ही में उनके बर्थडे पे उन्होंने विश भी किया था गाइज़ और आ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि सलमान भाई ये फिल्म करेंगे और जब ये फिल्म आएगी ना तो ये बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा देगी गाइस क्योंकि रामचरण और सलमान भाई एक फिल्म में और उस फिल्म का अगर डायरेक्टर शंकर है ना तो यार इससे ज़बरदस्त बात और कोई हो नहीं सकती है जून से इस फिल्म की शूटिंग शुरू, शुरू होने वाली है ये जो कैरेक्टर होने वाला है उसके लिए आ, जो स्टार जो भी करता है मे बी सलमान भाई अगर मना करते हैं मुझे लगता नहीं कि करेंगे अगर रामचरण उनको यू नो you know, अप्रोच करते हैं तो, तो 25 से 30 दिन की शूटिंग होगी मुझे लगता है कैमियो से बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है एक्सटेंडेड कैमियो आप कह सकते हो मोर ऑफ मोर ऑफ़ एन एक्सटेंडेड कैम्यू और अंतिम की तरह नहीं होगा यार उससे ज़बरदस्त होगा तो आई होप मुझे तो यार सोच के ही गोसबंप आ रहा है जब रामचरण और सलमान भाई एक साथ स्क्रीन पे दिखेंगे ना तहलका मच जाएगा आई नो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी कमेंट करके बताओ कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो तो अभी तक के लिए बस इतना ही है मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए जय